माई जल्दी चलो माई, अंतिम संस्कार में जो भी लोग आए थे सब एक एक करके मर रहे हैं। मायापुर गांव का रहने वाला सुरेश, जो ये अजीब खबर लेकर चंद्रकला के पास आया था, खबर देते ही उसके मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। सुरेश, क्या हुआ सुरेश, ये खून कैसा? चंद्रकला मायापुर गांव में रुदाली का काम करती थी। गांव में जब भी कोई मृत्यु होती, वहां जाके चंद्रकला रोती और उनका अंतिम संस्कार करती थी। पर कल किए सरपंच माधव की बेटी के अंतिम संस्कार में कुछ बहुत अजीब हुआ। साहब, आपकी बेटी ने आत्महत्या की है और इसलिए मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ये सुन के सरपंच आग बबूला हो गया और चंद्रकला को घसीट कर अपनी बेटी अदिति की लाश के पास ले गया। उसने जो काम किया था उसके लिए उसे आत्महत्या तो करनी ही थी। चुपचाप विधि शुरू कर उड़ाली, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी। पर चंद्रकला जानती थी कि ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने सरपंच से फिर कहा। सरपंच साहब, आज अगर इसका अंतिम संस्कार कर दिया तो आप, मैं और पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच जानता था कि चंद्रकला आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अचानक वो एक बच्ची को घसीट कर चंद्रकला के सामने ले आया, जिसे देखकर चंद्रकला के होश उड़ गए। सरपंच साहब, मेरी बेटी को यहाँ क्यों ले आया? अगर तूने विधि शुरू नहीं की तो तेरी बेटी को मैं यही जिंदा जला दूंगा। अब क्या करेगी चंद्रकला? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए क्या वो पूरे गांव को खतरे में डाल देगी? और अंतिम संस्कार होने पर क्या अनर्थ हो जाएगा? अंतिम संस्कार में आने वाले सभी लोगों के मरने की क्या वजह थी? जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए रुदाली।